श्री गणेशाय नमः। नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं ही अपना फल नहीं खाते, बादल स्वयं ही अपनी फसलें तथा अनाज नहीं खाते। सज्जनों की संपदाएं परोपकार के लिए हुआ करती हैं। प्राण और धन की बाजी लगाकर भी परोपकार करना चाहिए, क्योंकि जो पुण्य परोपकार से प्राप्त होता है वो सैकड़ों यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में तथा दैनिक राशिफल के आज के नए एपिसोड में। आप सभी को शुभकामनाएं व बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है या कोई विशेष यादगार सफलता का दिन है। अब राशिफल शुरू करने से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गृह स्थिति क्या रहने वाली है आज के दिन। चंद्रमा आज के दिन तुला राशि में विराजमान है, वहीं पर राहु मिथुन राशि में, मंगल गुरु एवं केतु एक साथ में धनु राशि में विराजमान रहेंगे, शनि मकर राशि में विराजमान है और बुध और सूर्य कुंभ राशि में तथा शुक्र मीन राशि में विराजमान है। आज चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है, इसके चलते आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियों में होंगी मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन्हीं राशियों के अलावा जिन राशियों को आज के दिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान से अपने दिन को गुजारने की ज़रूरत है, अपने क्रोध पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो वो राशियां हैं वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन ग्रह स्थिति के संदर्भ में जानते हैं किस तरीके से आज का दिन यानी कि 14 फरवरी का दिन बीतने वाला है हम सभी के लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आज आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आपके साथ सुखद और कुछ हैप्पी इंसिडेंट घट सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ आज के दिन आपके साथ है, वहीं पे गलतफहमी या तो फिर जलेसी आपको महसूस करने को मिल सकती है। यथासंभव पारदर्शिता बनाए रखने की आपको कोशिश करनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं पे आपके जो लवर्स हैं, आपके जीवन साथी हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं या वो आपसे प्यार करते हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए आज बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता आपके अंदर दिखाई देगी। पैसों की आवक बहुत ही अच्छी रहने वाली है आज के दिन। वहीं पे स्वास्थ्य भी आज के दिन बहुत ही अच्छा आपका बना रहेगा। किसी व्यक्ति के द्वारा आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है, कोई मित्र हो सकता है या तो फिर कोई कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, जो आपको संकट में देख करके सामने से आकर के बोले कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए है फाइनेंशियली तो मैं आपके साथ में हूँ, आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैं आपको वो हेल्प दूंगा। आज नौकरी करने वालों के लिए उन्नति के अवसर सामने खुल के बाहर आ सकते हैं, नए दरवाजे खुल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। वहीं पे दुरुस्त शिक्षा से जुड़े छात्रों की शिक्षा में आज प्रगति देखने को मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी रंग है मजेंटा और आपका लकी नंबर है नंबर 6। बात करते हैं वृष राशि की। तो आज आपकी राशि से षष्टम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आप बहुत तेज़ी से सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपका तरीका और रास्ता भी सही होगा, गलत रास्ते से आप इनमें से कोई तरक्की और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं ढूंढने वाले। सबसे अच्छी बात तो ये है, प्रेमी या जीवन साथी के प्रति आज आप में बहुत ही ज़्यादा समर्पण दिखाई देगा। पैसों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वहीं पर पैसों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आज आप करेंगे। स्वास्थ्य आज के दिन आपका बेहतर बना हुआ है, उल्टा बेहतर से बोल सकता हूँ कि और ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। आज बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और मोटिवेटेड आप फील करने वाले हैं। स्टूडेंट्स को हर तरह के रिटन एग्जाम्स जो होते हैं, जहाँ पे पेन और पेपर इस्तेमाल होता है, उन एग्ज़ाम्स के अंदर सफलता मिल सकती है। वहीं पर कोई नया आइडिया है, कोई नया क्रिएटिव थाट है आपके पास, तो उसके साथ अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है आपके लिए। वहीं पे कहीं पे डिबेट है या तो फिर तर्क वितर्क की बातें हैं, तो उसमें लोग अपने आप आपको देख करके प्रभावित हो जाएंगे, आपके ज्ञान को देख करके प्रभावित हो जाएंगे। आप इस समय भाग्य की अपेक्षा कर्म पर भरोसा करके काम करेंगे और अपनी पूरी कार्यक्षमता यानी कि पूरा जो आपके अंदर दम है उसको लगा करके अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उससे सफलता भी हासिल करेंगे। आज के दिन नौकरी में थोड़ा प्रयास तरक्की आपको दिला सकता है। अगर थोड़ा से जो आप ऑलरेडी काम करते हैं उसे थोड़ा सा और अगर आप अपने आप की मेहनत करें, थोड़ा और दिमाग चलाएं, थोड़ा और काम करें, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। व्यवसाय में निवेश के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। वहीं पर आज के लिए आपका लकी रंग है ऑरेंज और आपका लकी नंबर है नंबर 5।
बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी कि तीसरी राशि। तो आज आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आज आपको कुछ ऐसी समस्याएं और परेशानियां सामना करना पड़ सकती हैं जिनसे कि आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। अपने आप कहीं आपने सोची भी नहीं थी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने खड़ी भी हो सकती है, तो वो भी आज आपको सामने आ सकती है। आपको उनको फेस करना ही पड़ेगा, आप उससे दूर भी नहीं भाग सकते। वहीं पे कामकाज पर पूरा ध्यान बनाए रखने की आज आपको कोशिश करनी है। अगर आप दूसरों के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगाए रखें। किसी पर बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपने अपने काम पर फोकस नहीं किया और जो मैं बोल रहा हूँ नहीं करने के लिए वही करते रहे, तो आज के दिन अपने आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी आपको फील हो सकता है, और उस अट्रैक्शन के चलते आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं जो कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे बोलने के लिए सही नहीं है। उसको लेकर के आगे आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल सकती है। पैसों की बात की जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन की बात की जाए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और प्रॉफिट्स भी आज आपको लगातार देखने को मिलेंगे, और स्वास्थ्य भी उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज भगवान से लेके यानी कि ईश्वर हुए, उनकी तरफ आपका रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा। उनकी शक्तियों पर आज और ज़्यादा भरोसा होगा। ऐसा लगेगा कि आज तक जो नहीं महसूस किया है वो आज महसूस करने को मिल रहा है। हो सकता है कि अपने आप पर आशीर्वाद महसूस कर रहे हो कि ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी काम करेंगे आज वो पूरा हो जाए। कोई बहुत बढ़िया संकट था सामने, तो वो भी शायद जब पार आप कर लें तो अपने आप ऐसा लगेगा कि भगवान का हाथ था साथ में, तो उसकी वजह से ये हुआ है। आपको मेहनत का आज के दिन अच्छा परिणाम मिलने वाला है। वहीं पे सही समय पर आपकी सहायता किसी अच्छे इंसान को परेशानी से बचा सकती है। आज मित्रों का सहयोग आपको पूरी तरीके से प्राप्त होने वाला है। वहीं पे उनकी अनदेखी बिल्कुल भी ना करें, ग्रांटेड में ना लें, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कोई भी आपकी मदद करता है तो वो अपने अमूल्य समय में से कुछ समय आपको दे करके आता है, तो उस समय की इज्जत करना सीखिए। मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, समय को थोड़ा समय दीजिए, अपने आप वही समय आपके समय को सुधार देगा। तो ऐसे ही किसी और का समय जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको वापस थैंक यू बोलना ना भूलें, उसकी वापस मदद करना ना भूलें। आज के दिन आप महसूस करेंगे कि आसपास के जो आपके लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपसे डिमांड कर रहे हैं, बहुत ही डिमांडिंग हो रखे हैं। पर जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने का अगर आपने वादा किया, ओवर प्रॉमिस कर दिया, तो ना ही सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को टेंशन में डालेंगे, पर इसी के चलते अपने आप को फाइनेंशियल डेट में भी आप डाल सकते हैं। आज के दिन छात्रों को घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, कहीं बाहर आप घूमने जा सकते हैं, किसी अच्छे इंसान के साथ में घूमने का आपको मौका मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी रंग है सिल्वर, आपका लकी नंबर है नंबर 4। बात करते हैं कर्क राशि की। तो आज आपकी राशि से फोर्थ हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। इस राशि वालों के लिए दिन सामान्य कहा जा सकता है, ठीक ठाक कहा जा सकता है। पिता की वजह से आपको चिंतित आज के दिन रहना पड़ सकता है। हो सकता है उन्होंने कुछ बोल दिया या तो फिर उनकी तबीयत खराब है, उसको लेकर के आज घर में बहुत ही ज़्यादा चिंता का रूप आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर संतान के प्रति मन में परेशानी के बादल घने उड़ते रहेंगे, आपके आसपास में मंडराते रहेंगे। वहीं पर घर के सामान को लेकर के उनको कलेक्ट करने के लिए आपको आज प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हो सकता है जहाँ पे आपको चाहते थे वहाँ पे आपको नहीं मिला, उसके लिए आपको मार्केट घूमना पड़ जाए। वहीं पे आपकी पत्नी ने या आपकी माता ने आपको कुछ बोल दिया है कि ये मुझे सामान चाहिए, यहाँ इस दुकान पे मिलता है, इस दाम पे मिलता है, ये लेकर के आइए, और हो सकता है आप वहाँ पे दुकान पे जाएं और वो सामान ही ना मिले, या सामान मिले तो जो आपको प्राइस बोलिए उस पे मिले ही ना, तो वहाँ लेकर के आपको थोड़ी टेंशन और घर में सुनने का वातावरण भी बन सकता है। आज के दिन पिता से तो वैचारिक मतभेद बने रहेंगे, वहीं पे आपको संतान की ओर से भी आज के दिन कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, उसके संकेत हैं। आपको अपने इच्छा के अनुरूप आमदनी आज के दिन प्राप्त नहीं हो सकती। जो आप सोच रहे थे आपको जिस तरीके से इनकम आनी चाहिए थी, या तो फिर आप किसी से पैसे मांग रहे थे, आप सोच रहे थे आज जितने में मांग रहा हूँ उतने तो आ ही जाएंगे, तो ऐसा शायद आज ना हो। उसके चलते आप अपने आप डिप्रेस भी हो जाएं और सोचें कि जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो सही थी या नहीं थी। आज पुरानी बीमारी से भी आपको राहत मिल जाएगी। कोई बहुत समय से चलती आ रही थी बीमारी, हो सकता है फिजिकली कोई पेन होगा, या तो फिर पाचन क्रिया से आपको कोई परेशानी थी, डाइजेस्टिव ट्रैक्स में कोई परेशानी थी, तो उससे भी आज के दिन आपको राहत मिल सकती है। यहीं पे आज के दिन एक जगह पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है वाहन पे, अपनी गाड़ी पे। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या रेंट करना चाहते हैं,
तो आज के दिन उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आप सोच रहे थे कि गाड़ी नहीं लेनी है, तो उस नई गाड़ी को लेने में अच्छे खासे डिस्काउंट मिल सकते हैं, और वहीं पे गाड़ी बेचने की सोच रहे थे तो उस गाड़ी को बेचते हुए अच्छा मुनाफा आपके हाथ में आ सकता है। वैवाहिक जीवन में आज के दिन असंतोष का माहौल उत्पन्न हो सकता है। वहीं पे प्रेम संबंधों में जल्दबाजी ना दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छे रिश्ते खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, और वहीं पे अपनी सीमा अगर आपने लांघ दी तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है जो नहीं चाहते थे वो हो जाए। आज के लिए आपका लकी रंग है मजेंटा और आपका लकी नंबर है नंबर 2। बात करते हैं सिंह राशि की। तो आज आपकी राशि से थर्ड हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। इस राशि वालों के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। भूमि और मकान से आपको लाभ आज के दिन देखने को मिल सकता है। वहीं पर सामाजिक पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि मिलेगी। रिश्तेदारों से मैत्रीपूर्ण यानी कि प्यार भरे संबंध आपके बने रहेंगे, और कार्य योजना जो भी आप काम को लेकर के प्लानिंग कर रहे थे उसकी तरफ और ज़्यादा सोचिए, उसको समझिए, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑन ग्राउंड लाने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखिए। कई बार होता है लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए। क्योंकि सोच तो आपने बहुत अच्छे से लिया है, पर अब उस चीज़ को ऑन ग्राउंड ला करके काम करने की ज़रूरत है। कई लोग सोचते हैं घर में बैठे बैठे कि एक दिन होगा जब मैं प्राइवेट जेट खरीदूंगा, एक दिन होगा कि मैं ये करूंगा, एक दिन होगा मैं अपने पिताजी के लिए गाड़ी लूंगा। तो ये होगा कब? जब काम करना शुरू करेंगे। सिर्फ सोचने से ये चीज़ें नहीं आ सकती, तो काम करना शुरू कीजिए। आज के दिन आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपको और ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे, आपका स्वास्थ्य सही रखेंगे। वहीं पर आज के दिन आपको अपनी इनकम में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य का लाभ आज आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। वहीं पे प्राइवेट नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके लिए तरक्की के अवसर आज के दिन सामने खुल करके आ रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए आज के दिन सामान्य कहा जा सकता है, पर अगर आप कोई भी लैंड बिल्डिंग से परचेज या सेल करने की सोच रहे थे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी अशांति बनी रह सकती है, पर उस अशांति को ख़त्म करने का तरीका सिर्फ एक और सिर्फ एक ही है। दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी या तो फिर शांत रहे, या तो फिर कई समय से चुपचाप बैठे हैं तो जो मन में है उसको सामने आकर के बताएं, क्योंकि सामने वाला अंतर्यामी नहीं है। उस बात को समझते हुए आपको खुद को भी शायद पहल करनी पड़ सके। आज आपको संतान पक्ष से थोड़ी खुशी मिल सकती है, पर चिंता भी वहीं पर आपकी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्लू और आपका लकी नंबर है नंबर 8। तो आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, वहाँ पे स्थित हैं। तो इसके लिए निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आ रहे हैं उन पर आपको सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन धन अपना पैसा तब ही लगाएं जब आप उसको पूरी तरीके से भली भांति जान चुके हैं। बिना बात ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के अंदर कि ऑफर मेरे हाथ से छूट सकता है तो जल्दी से जल्दी रुपये डालने की कोशिश कर दें, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आज के दिन। वहीं पे घरेलू जिंदगी में कुछ तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है घर में वाद विवाद की सिचुएशन हो रही है तो वहाँ पे आपको भी उलझा दिया जाए। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आज के दिन थोड़ी सुधार देख सकती है। वहीं पे बिजनेसमैन के लिए दिन आज सामान्य कहा जा सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। अब कई बार होता है कि हर चीज़ नेगेटिव एक साथ में नहीं होती। नेगेटिव कोई पर्टिकुलर फील्ड में होती है तो वहीं पे कुछ पॉजिटिव भी देता है। तो हमेशा आप देखेंगे तो कितना भी अच्छा दिन हो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जिससे अपने आप मूड ऑफ हो जाए, और वहीं पे कितना भी ख़राब दिन हो कुछ ना कुछ तो ऐसी सिल्वर लाइनिंग दिखी जाती है जिससे आप अपने आप सोचते हैं कि दिन इतना भी ख़राब नहीं था। आज वैवाहिक जीवन में आपके लिए तनातनी का माहौल बना रहेगा, पर इस तनातनी को आप सुलझा सकते हैं। जो भी है मसला है आप दोनों के बीच में, उसको सही तरीके से बैठ करके बात करके सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। वहीं पे प्रेम संबंधों में लिप्त जातकों के लिए दिन उल्लास से भरा है। आज के दिन ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं, ब्लड प्रेशर से जो चिंता में हैं, तो उन्हें अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी रंग है पर्पल और आपका लकी नंबर है नंबर 1। तो आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आज आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज से आपके लिए जीवन का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, एक नया दौर शुरुआत हो सकती है। वहीं सोचें और देखें जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसको सोचना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, एक डायरी लीजिए, उसके अंदर वो अच्छी जो आपको बातें हैं, आपके जो गोल्स हैं उसको लिखना शुरू कीजिए।
जैसे जैसे होते रहेंगे उस डायरी के अंदर टिक मार्क आप करते रहेंगे, ये मेरी बकेट लिस्ट थी और इसमें से ये काम मैं कर चुका हूँ, ये गोल्स मैं अचीव कर चुका हूँ। आज अपने लवर के साथ में या तो फिर अपनी वाइफ के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में आपके संबंध बहुत ही ज़्यादा सुधार देखेंगे। कहीं पे मन मुटाव था तो वो चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। पैसों की आवक आज के दिन आपके लिए संतोषजनक बनी रहेगी, जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हो पाएगा। वहीं पे दिन बहुत ही ज़्यादा उत्साह से आपका बीतेगा। आपको अपने संपर्कों का लाभ भी मिलेगा, जो आपके कॉन्टैक्ट्स थे वो भी आज के दिन आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दिलवाएंगे। आज आप जीवन के किसी अहम क्षेत्र में बदलाव करना चाहेंगे, कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर था जहाँ पर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। हो सकता है जो सिंगल थे उनको अब शादी की इच्छा है, हो सकता है जो अभी तक एजुकेशन बीच में छोड़ रखे थे उनको फिर से एजुकेशन लेने की इच्छा है, और उस दिशा में आप अपना पहला कदम भी उठा लेंगे। अपना जो भी पर्सपेक्टिव है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। वहीं पे पैसों की स्थिति आज के दिन आपके लिए थोड़ी डाइसी नज़र आ सकती है। कोई नई आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, कोई नया रेजिमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आज के लिए आपका लकी रंग है गोल्डन और आपका लकी नंबर है नंबर 3। तो आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आज आपकी राशि से 12th हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आपको मौसमी बीमारियों से संघर्ष करना पड़ सकता है, उनको देखना पड़ सकता है। जहाँ पे आप सोच रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हो सकता है जुकाम लेकर के आपको घर पे आज रेस्ट करना पड़ जाए। अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहे कोई भी तनाव को आज आपके स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ सकता है। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी, घर के अंदर झगड़ा हो रहा था उसको लेकर के आपको टेंशन हुई, तो उसकी वजह से स्ट्रेस से लेकर के आपको रेस्ट करना पड़ जाए। या हो सकता है जो हार्ट पेशेंट्स हैं या तो फिर ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए और ज़्यादा सीरियस अपने आप बीमारी सामने देखने को पड़ जाए। आज के दिन जो नेगेटिव सोच है आपकी उसको आपको अपने मन को परेशान करने से रोकना चाहिए। थोड़ा पेशेंट बनिए, थोड़ा सही सोचना शुरू कीजिए। हर जगह गलत सोच करके ज़िंदगी नहीं बीत सकती, हर जगह गलत ही सोचें। सबसे पहले सोचें कि क्या ख़राब हो सकता है, ऐसा सोचेंगे तो शायद पहला कदम ले ही नहीं पाएंगे। जो चेंजेस चाहिए हैं लाइफ में उसके लिए सही सोचना शुरू करना चाहिए, या इससे अच्छा कई लोगों की जो आदत है जो आएगा सामने अपने आप देख लेंगे, शुरू कर देते हैं, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा तरीका है आपके लिए आज के दिन। वहीं पे प्रेम संबंधों में आज उतार चढ़ाव आपके लिए बने रहेंगे। कहीं पे वापस खिलखिलाएंगे तो वापस कहीं पे झगड़ा होकर के अचानक से मूड ऑफ हो जाएगा, पर वापस वैसे ही प्यार वापस बढ़ जाएगा। अपने करीबी लोगों की भावनाओं का आज आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, उनकी कोशिश करने की ज़रूरत है क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं वो भी समझने की। आज अपने लाइफ पार्टनर का तो आपको समर्थन और प्यार दोनों ही मिलने वाले हैं, लेकिन आप किसी बात को लेकर परेशानी अंदर से बनी रहेगी। हो सकता है कुछ ना कुछ आपने गलत किया है, या तो फिर आपने कुछ गलत सोचा है, या तो फिर कुछ गलत करने की तैयारी में थे तो वहाँ पे अचानक से कदम आपको पीछे लेने पड़ जाए। आज परिवार का कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा सदस्य जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, या जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या तो फिर कोई ऐसा मित्र जिस पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, तो वो आज आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। पैसों को लेके भी आज आपको अपने पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई ना कोई झगड़े का माहौल बन सकता है। हो सकता है दोनों के बीच में कोई विवाद खड़ा हो जाए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, या तो फिर ये खर्चा हुआ तो हुआ क्यों। इन चीज़ों को लेकर के आज के दिन आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। आज आप पर बहुत ही ज़्यादा काम का प्रेशर भी बना हुआ है, तो उस काम के प्रेशर को लेकर के बिना बात किसी और के ऊपर अपना गुस्सा ना निकालें, इरिटेशन ना निकालें, फ्रस्ट्रेशन ना निकालें। यात्रा करते समय दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी, तो उसके चलते हो सके तो या तो फिर खुद गाड़ी ड्राइव ना कीजिएगा या राइड मत कीजिएगा, और अगर कर रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा किसी और को साथ में लेके चलने के लिए, तो अपने आप सिचुएशन कंट्रोल में कर सकें। आज के लिए आपका लकी रंग है सिल्वर और आपका लकी नंबर है नंबर 6। बात करते हैं धनु राशि की। तो आज आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आप एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं अपने अंदर। सभी प्रकार के तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपके जो दिमाग के घोड़े हैं वो सही तरीके से दौड़ रहे हैं, सही दिशा में दौड़ रहे हैं। जहाँ पे हर जगह आप जाकर के सबसे पहले झगड़ों में खुद जाते थे, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कहीं पे किसी और का झगड़ा हो तो अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए, बीच में पंच बनने की मत कोशिश कीजिए। तो आज वो दिमाग में आपके बात बैठ चुकी है, कोई आसपास में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने आप ही उसे दूर हट रहे हैं। आप अपनी मीठी बातों से अपने प्यार जिनसे करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या तो फिर प्रेमी हैं उनके साथ में, उनका दिल जीतने में सफल होंगे। वहीं पे वैवाहिक जीवन आज के दिन बहुत ही ज़्यादा मधुर रहेगा और एक दूसरे के साथ में कुछ अच्छे क्षण बिताने को मिल सकते हैं।
आपको परिवार का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है आज के दिन। और वहीं पे आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वहाँ पे भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। सुधार अपने आप आएगा, धीरे धीरे आएगा। अगर आप सोचते हैं कि 0 रुपये थे और 0 से 100 अपने आप आ जाएं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता मेरे दोस्त। थोड़ा अपने आप के ऊपर और अपनी सोच को सही करने की कोशिश कीजिए। हमेशा पहले स्टेप बाय स्टेप आदमी आगे बढ़ता है, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज के दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये गेंस जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आएंगे। हो सकता है आप रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी बहुत समय से देना चाहते थे, तो अचानक आज हो जाए कि उसके लिए सामने से अपने आप टेनेंट चल के आपके पास में आ जाए कि सर आपकी प्रॉपर्टी में मुझे रहना है। आपको अपने कार्यस्थल पर, अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा आज प्रशंसा भी प्राप्त होने वाली है। अपने बॉस और अपने कलीग्स के साथ यात्रा करने का अवसर मिले तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबकी बॉन्डिंग भी इसमें बढ़ेगी और वहीं पर आपके लिए सपोर्ट सिस्टम एक नया तैयार हो जाएगा। एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा हमारा समय गुजार रहे हैं 9 to 5 जॉब जो करते हैं लोग, और कई बार जो बैंकिंग सेक्टर में हैं वो तो रात को काम तक करते हैं, मंथ एंडिंग के अंदर 12-12 बजे 1-1 बजे तक करते हैं। तो उसमें बहुत ज़रूरी है जिन लोगों के साथ में आप बैठते हैं, सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं अपना, तो उनको सही तरीके से जानिए। वो अपने आप के अंदर एक परिवार है आपका, उस परिवार को जानने की कोशिश कीजिए, उसके मेंबर्स के साथ में घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। आज के लिए आपका लकी रंग है वाइट और आपका लकी नंबर है नंबर 4। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आज आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज का दिन आपके लिए सफलता देने वाला रह सकता है। व्यक्तिगत मामलों में, पर्सनल मैटर्स में आज आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। और वहीं पर कोई पेंडिंग बिल्स थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, पानी का बिल हुआ, या तो फिर GST पे आपको करनी थी, सेल्स टैक्स पे करना था, इनकम टैक्स पे करना था, कुछ भी ऐसा है जिसके बिल अभी तक ड्यू चल रहे हैं, तो उन पे सही तरीके से ध्यान दीजिए, वरना बिना बात लेट फी भी लगेगी और जुर्माना भी आपको पे करना पड़ सकता है, और जुर्माने के साथ में हो सकता है कोई केस भी हो जाए। जीवनसाथी के साथ आज बहुत ही ज़्यादा भावनाएं भरी आपकी बात हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे बात हो सकती है, एक तरीके से एक दूसरे से इमोशनल लेवल पे और ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है। पैसों की आवक आज के दिन बहुत ही ज़्यादा आपकी अच्छी बनी हुई है। वहीं पे स्वास्थ्य भी आज के दिन आपके लिए पैसों के साथ में हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहा है। आज आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, अपने इंट्यूशंस को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी होता है कुछ गलत होने से पहले आदमी को इंट्यूशन हो जाता है कि शायद ये जगह जो है, ये काम जो है, ये सही नहीं है, तो वो इंट्यूशन आज आपको मिल रहा है। किसी व्यक्ति के साथ एक भावनात्मक, एक इमोशनल कनेक्शन भी बन सकता है आपका, और इमोशनल के साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बन सकता है। प्रेम संबंध आज के दिन आपके अनुकूल बने रहेंगे, और वहीं पर रिश्तों में किसी भी प्रकार की असहमति है, एक दूसरे से मनमुटाव है, वो आसानी से अपने आप सुलझते नजर आएंगे। परिवार से आज आपको सहायता भी प्राप्त होगी और समर्थन भी प्राप्त होने वाला है। कोई शुभ कार्य भी आज परिवार में आयोजित किया जा सकता है जिसमें आपको शामिल कर लिया जाए। आपको आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, हो सकता है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आज आप व्यवसाय संबंधी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरा पाएंगे। आप अपने सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश करेंगे, और जो भी काम करेंगे उसमें आज सक्सेस पाएंगे। बिजनेसमैन आज अगर कोई भी ट्रैवल करने वाले हैं, कोई भी बिजनेस ट्रैवल करने वाले हैं, अपने काम को लेकर के शायद कलेक्शन के लिए बाहर निकलें, या तो फिर नए सोर्सेज ढूंढने के लिए बाहर निकलें, तो वहाँ पे भी आज के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फायदे देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी रंग है येलो और आपका लकी नंबर है नंबर 8। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आज आपकी राशि से 9th हाउस में चंद्रमा स्थित है, इसके चलते पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करने का आज आपको प्रयास करना चाहिए। जितना हो सकता है एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे आप 10 मिनट के लिए योगा करते थे, आधे घंटे के लिए योगा करते थे, वहाँ पे योगा के साथ में वॉकिंग भी इन्वॉल्व कीजिए। अपने आप की डाइट पर कंट्रोल रखिए। आज आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और आशावादी महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपके अंदर भरी हुई। वहीं पर भावनात्मक उत्साह और संतुष्टि आज के दिन की आपकी हाइलाइट्स है। प्यार पाने और प्यार करने की आज आपके अंदर चाहत बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से भरी हुई है, तो इसको किस तरीके से आप बाहर निकालें वो आप अपने आप देखिए। जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट हैं, उनको किस तरीके से आप स्पेशल फील करा सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या अच्छा बोल सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या जेस्चर दिखा सकते हैं, उस पर आज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप किसी के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते थे, प्रपोजल करना चाहते थे, तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो मैरिड कपल्स हैं, आज उनमें प्रणय सुख का अनुभव करने को मिलेगा। ये समय अपने आप को तनावों से मुक्त करने के लिए और मित्रों के साथ
अच्छा समय गुजारने के लिए है। आपको अतीत में कोई भी की गई जो बात थी, कोई भी अच्छी मेहनत जो की हुई थी आपने, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया था, हार्डवर्क किया था, तो उसका भी आज आपको इनाम मिल सकता है। हो सकता है कि अपने आप आज आपका नाम कोई ऐसी लिस्ट में आ जाए जो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही कम लकी लोग होते हैं जहाँ पे वो पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पे शायद आज आप भी आ जाएं। आज लोन्स को लेके कोई भी लेन देन हो, रुपए को लेकर के कोई भी लेन देन हो, तो अपने आप को उसमें उलझाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर उसमें उलझेंगे तो अपने आप देखेंगे जहाँ पे दिन अच्छा जा रहा था वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेंगे और किसी और चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा आप लकी हैं, वो महसूस भी कर रहे हैं अंदर से, तो इस चीज़ का सही तरीके से यूज़ करने की कोशिश कीजिए, इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आज अपने आप सही सोचेंगे, आज जब लक सपोर्ट कर रहा है तो कुछ भी काम करते हैं तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनाम देता है। और वहीं पे जब पॉजिटिव थिंकिंग उसके साथ में मिलती है, पॉजिटिव एक्शंस मिलते हैं, तो और ज़्यादा अच्छे आपको इनाम सामने दिखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। इस चीज़ को सही तरीके से अगर आपने यूटिलाइज़ किया तो आज इस दिन को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं और ये दिन मील का पत्थर भी आपके लिए साबित हो सकता है। आज के लिए आपका लकी रंग है पर्पल और आपका लकी नंबर है नंबर 5। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आज आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आपका दिन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा सामने ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। आप पूरे दिन किसी ना किसी से नाराज़ रहेंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। कोई सामने से आ भी जाए, आपसे बात करने की कोशिश करे, तो जो आपका चिड़चिड़ापन है वो अपने आप उस आदमी को, इंसान को दूर कर देगा। आज आपके साथ कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन, कुछ ऐसी घटना भी घट सकती है जिसको आपने कभी सोचा ना हो, पर ये जो घटना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के कर्मों का फल है, इस बात को समझ लीजिएगा। आप जितने चिड़चिड़े हैं आज, जितने गुस्से में हैं, जो आपके साथ में होने वाला है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिस इंसान से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और वो इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, तो आपके चिड़चिड़ेपन की वजह से आज कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है या सामने वाले का ऐसा रूप देखने को मिल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी देखने की थी। आज शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, कोई ना कोई षड्यंत्र आपके पीछे रचा जा रहा है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। वहीं पर आज परिवार के जो लोग हैं आपके, वो भी आपसे नाराज़ रह सकते हैं। प्रेम या जीवनसाथी के साथ थोड़ी अनबन तो बनी रहेगी, थोड़ा फ्रिक्शन आपको एक दूसरे के बीच में देखने को मिलेगा, पर शाम तक ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। फाइनेंशियल सिचुएशन आज के दिन आपकी सामान्य बनी रहेगी। वहीं पे नौकरी में आज आप सीनियर्स और जूनियर्स सभी से इरिटेट होते नजर आएंगे, पर ये इरिटेशन जहाँ तक हो सकता है अपने आप के अंदर दबा करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। सामने वाले इंसान पर निकालेंगे तो झगड़े का माहौल भी बनेगा और वहीं पर हाथापाई का माहौल भी बन सकता है। आज के दिन अगर कोई भी यात्रा करने वाले हैं आप, कोई भी यात्रा करने की सोच भी रहे हैं, तो आपके लिए ये यात्रा परेशानी पैदा कर सकती है। इस बात को समझते हुए यात्रा को या तो फिर टालने की कोशिश कीजिए, या तो फिर अगर यात्रा कर रहे हैं तो किसी और को साथ में लेने की कोशिश कीजिए और अपने आप के मूड को थोड़ा सुधारिए। आज के लिए आपका लकी रंग है ऑरेंज और आपका लकी नंबर है नंबर 3। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की। अभी में मैंने शुरू किया आप सभी को एक विशेष उपाय देना, जिससे कि कैसे हम हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज का विषय है इस विशेष उपाय के लिए, व्यापार में चलती आ रही जो आपके लॉसेस हैं उसको कैसे रिकवर किया जाए, उसको कैसे रोका जाए। तो व्यापार में यदि लगातार आप घाटा देख रहे हैं, बार बार लॉसेज ही लॉसेज देख रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं, पर उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके लिए आज मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ। और काफ़ी ज़्यादा दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो अगर इसको करना शुरू करेंगे तो आपको लगातार बहुत ही ज़्यादा अच्छे फायदे भी देखने को मिलेंगे और यहीं पे लॉसेस भी अपने आप बंद हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको लगातार 5 बुधवार तक जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ वो करने की ज़रूरत है। पहले बुधवार के दिन पीली कौड़ियाँ या जैसी भी कौड़ियाँ आपको मिलती है दुकानों में या तो फिर आसपास में, वो खरीद कर ले आएँ। एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा छोटी इलायची या तो फिर एक चुटकी दुकान या फैक्ट्री की मिट्टी, इसके साथ में कौड़ियों को जलाकर उसकी राख बना दीजिए। यानी कि जला करके जब तक वो पाउडर फॉर्म में ख़त्म नहीं हो जाती, पूरी जल करके राख नहीं बन जाती, तब तक उसको जलाइए। ये राख बुधवार को ही एक पान के पत्ते पर रखकर उसमें एक छेद वाले तांबे का पैसा डाल दें। पहले पुराने जो सिक्के आते थे उनमें तो आपको छेद वाला मिल भी जाता था,
सिक्का जो होता था वो मिल जाता था। अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए भी एक दूसरा उपाय है, कॉपर की जो शीट आती है, तांबे की जो शीट आती है, पतरा आता है, उसको लेकर के उसके ऊपर एक सिक्के का आकार काटें, उस सिक्के के आकार के बीच में छेद कर दीजिए। अब उस छेद को लेकर के उसको एक पान के पत्ते पर रखिए, उसके साथ में ये सभी चीज़ों को, साथ में सामग्री को एक साथ में रख दीजिए। अब इस सामग्री के साथ में आपको करना क्या है, अपने आसपास में कुआं हो या तालाब हो उसमें इसको छोड़ के आ जाइए। जिस बुधवार को आप ये प्रयोग करते हैं तो उस दिन इस प्रयोग के समाप्त होने तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। चाहे सगार का ही खाना है, अगर फ्रूट्स भी बोलते हैं कि अगर व्रत करते हैं तो फ्रूट्स तो खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो ये भी आज के दिन आप नहीं कर सकते। अपने आप को भूखा रखना है, उसके बाद में ये प्रयोग करना है, उसके बाद में आप जो चाहते हैं वो खा सकते हैं। किसी भूखे व्यक्ति को आप जितनी आपकी बल पड़ता है, जितने आपके अंदर शक्ति है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उतना उसको दान करने की कोशिश कीजिए, कुछ खाने को दीजिए, या तो फिर अगर पैसे दे सकते हैं तो पैसे दीजिए, उसके बाद ही आप अपना खाना खा सकते हैं। अंतिम जो बुधवार आने वाला है, यानी कि पांचवा बुधवार जो आने वाला है, लगातार पांच आपको बुधवार तक करना है, चार बुधवार तक तो आपने ये कर लिया जो मैंने आपको बोला है, पांचवें बुधवार को भी आपको ये तो करना ही है। इसके साथ में ही अपने इष्ट देवता को फल फूल मिठाई इनसे प्रसन्न करना है, इसका प्रसाद आपको लोगों को बांटना है, पहले भगवान को चढ़ा करके उसके बाद में वहाँ से लेके लोगों को बांटना। और ये बांटना आपके नौकर नहीं बांटेंगे, आपकी पत्नी नहीं बांटेंगे, आपके हस्बैंड नहीं बांटेंगे, आपके माता पिता नहीं बांटेंगे, ये आपको खुद को बांटने की ज़रूरत है। इसको खुद लोगों के बीच में बांटिए और खुद भी खाइए। ऐसा पाँच बुधवार तक आप लगातार करके देखेंगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रयोग, ये बहुत ही विशेष प्रयोग है। आप देखेंगे किस तरीके से ये चमत्कार कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर सकता है। जहाँ पे लॉसेस चल रहे थे वहाँ पे लॉसेस ख़त्म हो जाएंगे, प्रॉफिट्स शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, ये करके देखिए, अपने आप बहुत ही ज़्यादा बड़े चेंजेस भी इससे देख सकते हैं। तो ये तो हुआ आज के लिए आपके लिए विशेष उपाय। अब आज्ञा दीजिए, कल फिर डेली राशि फल लेके आऊँगा आप सभी के समक्ष और बतलाऊँगा किस तरीके से बीतने वाला है हमारे लिए 15 फरवरी का दिन, और उसी के साथ में फिर से एक विशेष उपाय भी बताऊँगा। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आपका आज का दिन शुभ मंगलमय और सफलताओं से भरा हुआ हो ऐसी कामना करता हूं। आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद एवं जय हिंद।